आज हम करने वाले हैं दो प्रो मैक्रो लेंसेज का रिव्यू, एक है एपेक्सल का 100mm मैक्रो लेंस और एक है कासे का 85mm मैक्रो लेंस। इसको यूज करेंगे हम ओप्पो का 11 प्रो 5G फ़ोन के ऊपर और देखेंगे कैसा आउटपुट आता है। दोनों लेंसेज का आउटपुट में बैकग्राउंड में आपको सर्कुलर बोके इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। कुछ फोटोज में आपको थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा ये जो क्लिप है थोड़ा सा स्लिप हो जा रहा था क्योंकि मैंने रॉन्ग क्लिप यूज किया। आपको दिख सकता है एपेक्सल का मैग्निफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। फोकस डिस्टेंस का बात करें तो कासे का फोकस डिस्टेंस ज़्यादा है एपेक्सल से। अगर आप पत्ते के जैसा बड़ा सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं तो कासे लेंस अच्छा रहेगा, एपेक्सल अच्छा रहेगा आपका छोटा चीज़ का अगर फोटो ले रहे हैं तो। कासे का 8.5 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस है और एपेक्सल का 7 सेंटीमीटर। डिटेल्स का अगर बात करें तो कासे का डिटेल ज़्यादा है एपेक्सल से और फोकस डेप्थ भी ज़्यादा है कासे में। एपेक्सल लेंस लाइट वेट है और कासे लेंस थोड़ा सा हैवी है। प्राइस वाइज दोनों के बीच में 2000 का डिफरेंस है और दोनों का मेटल बॉडी का डिज़ाइन है। कौन सा वाला लेंस अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा टेस्ट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा टेस्ट आने वाले हैं इन दोनों लेंस के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।